एंड इट इज समथिंग विच इवन हॉलीवुड इज रीमेकिंग, और वो बनाना चाहिए बिकॉज ये इंडिया की ऐसी पहली मूवी है जो एक्शन लेवल पे, वायलेंस लेवल पे इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी। ट्रेलर को देख के जैसा लग रहा था ना, उससे भी डबल धमाका है। और ऐसा था कि ट्रेलर में तो बहुत ही कम दिखाया गया है, लेकिन जो रियल मूवी पे दिखाया गया ना, वो बहुत ही मच बेटर है। जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है ना, जिस तरीके से वायलेंस है ना, तो संदीप वांगा रेड्डी भी आके निखिल भट्ट के पैर छुएगा, हाथ धोएगा और बोलेगा भाई मुझे अपनी छत्र छाया में रख लो, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा वायलेंस बताया। मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे, मैंने सोचा नहीं था ये इतनी अच्छी मूवी होगी। प्योर वायलेंस, प्योर एक्शन, एंड इट इज़ समथिंग विच इवन हॉलीवुड इज़ रीमेकिंग, और वो बनाना चाहिए बिकॉज ये इंडिया की ऐसी पहली मूवी है जो एक्शन लेवल पे, वायलेंस लेवल पे इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी लगी। एक्शन बहुत अच्छा किया हुआ है, एंड इवन दी एक्टिंग इन जनरल, उसने जो इमोशंस डाले हुए हैं, उसने जो कॉमेडी सीन्स भी किए हुए हैं और एक्शन भी, ये सारा मिला के उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था और उसने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। डायरेक्शन इज मैड बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हो रही है उसमें, स्पेशली द सेकेंड हाफ, जैसे वो लोग ने एक्शन सीन्स और किल, जितने भी किल है वो सारा शूट किया हुआ है, तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है। और लक्ष्य का डेब्यू, इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डेब्यूज किसी ने अगर किया होगा, बहुत अच्छी एक्टिंग किया उसने और वो पूरा खींच रहा है मूवी को। सेकेंड हाफ में तो सिर्फ लक्ष्य ही है, बहुत अच्छा किया। ये मूवी देखो, अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हो, आपको एक्शन मूवीज़ पसंद है, वायलेंट मूवीज़ पसंद है, दिस इज़ बेटर देन ऑल ऑफ दैट। इंडिया में कभी ऐसा नहीं बना हुआ है और आई डोंट थिंक वापस बनेगा, ये उतनी अच्छी मूवी है। मैं तो 5 out of 5 दूंगा, बहुत अच्छी मूवी है। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं एक्शन मूवी नहीं देखती इतना, लेकिन ये मूवी पता नहीं मैं क्यों देखने आई, बिकॉज ट्रेलर देखा था हमने जो ऐसा मतलब वेरी वायलेंट सीन्स, हम ऐसा पता नहीं क्यों, लेकिन जब देखा तो बहुत अच्छा लगा मूवी, बहुत अच्छा मूवी है। डायरेक्शन नंबर वन इज अ सुपर डायरेक्शन, सुपर। हाँ, मैं कंपेयर नहीं करूँगी दोनों का, बिकॉज ही वॉज लक्ष्य वॉज कमांडो एंड वो डाकू था, दे बोथ वेर वेरी ट्रू टू देयर कैरेक्टर एंड दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है मूवी में, बहुत अच्छा। मैं 4.5 देना चाहूँगी आउट ऑफ 5। बहुत ही खतरनाक जैसा किल है नाम, और वो नाम को जस्टिफाई किया है मूवी ने, और बहुत ही अच्छा। इसके ट्रेलर को देख के मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट आफ्टर ऑडियंस को देख के आई है, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? ट्रेलर को देख के जैसा लग रहा था ना, उससे भी डबल धमाका है। और ऐसा था कि ट्रेलर में तो बहुत ही कम दिखाया गया, लेकिन जो रियल मूवी पे दिखाया गया ना, वो बहुत ही मच बेटर है। तो आप लोग जाके देखिए, ट्रेलर देख के मत बैठिए। ओ गॉड, जिसने भी सोचा है ना वो डायरेक्शन एक ट्रेन पे, कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक ट्रेन से ही स्टार्ट था और एक ट्रेन पे ही ख़त्म, और इतना अच्छा डायरेक्शन थे। लव डेट, और लक्ष्य को सीरियसली बोला जाए, जो बनाया गया है फौजी, वो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर को बनाया गया, उनको बनाया गया, और उनका पहली मूवी है ऐसा लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो पहले से ही हमने देखा है, ऐसा नॉन फेस होता है ना, वैसा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। राघव तो माइंड ब्लोइंग, हाँ, ही इज़ अ डांसर, हम लोग भी डांसर है, तो हम लोगों ने उनको पहले से एज अ डांसर देखा है, कॉमेडियन देखा है, एंकर देखा है, बट ये कैरेक्टर पे उन्होंने पूरा जस्टिफाई दिया है अपने आप को, और फुल एंड फाड़ू 4.5। किल जैसा नाम है ना, वैसा इस मूवी में काम है। एक्चुअली ट्रेलर इतना हाइप बना नहीं पाया, बट जैसे ही मूवी है ना, आउटस्टैंडिंग है, अमेजिंग है। बट कहीं ना ये थोड़ा कल्चर को भी मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड करती है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है ना, जिस तरीके से वायलेंस है ना, तो संदीप वांगा रेड्डी भी आके निखिल भट्ट के पैर छुएगा, हाथ धोएगा और बोलेगा भाई मुझे अपनी छत्र छाया में रख लो, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा वायलेंस बताया है। और लिटरली मूवी मतलब एक अजीब ही है, मैं इसको अच्छी बोलूँ बुरी बोलूँ फिलहाल मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट 1 घंटा 46 मिनट की मूवी है, मैं बोर नहीं हुआ, बट अगर कोई कपल होगा, कोई बच्चा होगा, तो यार उसको मतलब सर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जी, लक्ष्य ने काफ़ी अच्छा काम किया है, नो डाउट। एक्टिंग का तो उसका पता नहीं अभी, क्योंकि एक्टिंग उतना देखने मिली नहीं, क्योंकि मूवी में एक्शन ही एक्शन है स्टार्ट टू एंड, इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद मूवी में पूरा एक्शन ही है। स्टोरी को बिल्ड बिल्कुल नहीं किया गया है, एकदम फटाफट जो जो टॉपिक था उस टॉपिक पर ले गया है, बट मैं वही बोलूँगा एक्टिंग का तो पता नहीं, बट एक्शन उन्होंने अच्छा किया है।
ऑल ओवर मूवी अच्छी है, बट देखते हैं आगे क्या रहेगा। रेटिंग देना चाहेंगे पायल? मैं इस मूवी को 3.5 दूंगा, क्योंकि यार एक्शन ओवर द टॉप है और अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ऐसा लग रहा है कि घर पे जाओ और किसी को मारू पकड़ के, इतना वायलेंस है। ये वेलकम, एकदम अच्छी थी, एक्सलेंट। स्पेशली इंट्रो काफ़ी अच्छा था, जब टाइटल रिवील होता किल तो उसमें तभी था। बच्चे लोग के साथ नहीं दे सकते, काफ़ी एडल्ट मूवी था और काफ़ी ब्लड शेड था। एकदम मस्त एक्टिंग थी दोनों की, साथ ही वो विलन की एक्टिंग भी एकदम अच्छा था, डायरेक्शन अच्छा था, सेट वर्क अच्छा था, ओवरऑल 5.4.5। फैमिली ऑडियंस और लेडीज को शायद पसंद नहीं आएगी, जींस जो जैसे कि तू की किड्स से उनको काफ़ी पसंद आएगी और एडल्ट को तो काफ़ी काफ़ी पसंद आएगी।